Assalamualaikum everyone welcome वेलकम बैक टू channel चैनल अनबॉक्स सेट आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही जबरदस्त से ड्रेस डिजाइन शेयर की है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो ओके okay, जी आपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है क्योंकि आपको कोई ना कोई ड्रेस की जो डिजाइनिंग है वो आपको पसंद आ जाएगी और अगर आपने अपने ईद के कपड़े जो है वो सिलवा लिए हैं या खरीद लिए हैं तो कोई बात नहीं अगली ईद जो है वो आने ही वाली है दो महीने बाद तो आप उसके लिए अपनी डिजाइनिंग करवा लेना तो आप लोग को कोई ना कोई जो है वो डिजाइनिंग पसंद आ जाएगी तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और पहले सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारी जो ड्रेस डिजाइनिंग है वो लॉन के कपड़ों पे है यानी गर्मियों की कलेक्शन है समर कलेक्शन है तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ओके जी स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट ड्रेस से और ये जो है मैंने रिसेंटली अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो जो थी मैंने उसमें आप साथ शेयर भी किया था मैंने इसे लिया था तकरीबन एक दो महीने पहले फैब में मैंने लिया था और ये अलकरम का सूट है और टू पीस ड्रेस था ये और जो है इस तरह से इसकी बाजुओं पे डिजाइनिंग की गई है बाजू पे जो डिजाइनिंग नीचे वाला जो जिसपे लाइंस लगाई गई हैं, वो जो है रेशमी धागा होता है उसके साथ जो है लाइंस लगी हुई हैं बीच में जो है शर्ट के साथ थी बॉर्डर था वो लगाया गया और इसका जिस तरह सी वाला स्टेप होता है वो तीन स्टेप हैं और ये सारा काम जो है ये ट्राउजर के कपड़े पे है देन इसके साथ कमीज के आ, कपड़े के साथ अटैच किया हुआ है साथ उसके लेस अटैच कर दिए थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट करने के लिए और बाजू जो है इस तरह से बीच में जो है आ, पाइपिंग लगाई गई है ओके जी फ्रंट की डिजाइनिंग की तरफ अगर हम आए तो बीच में जो है वो बॉर्डर लगा हुआ है बैन गला है और साइड पे जो है ये पैनल्स फोर पैनल्स कट किए गए हैं और उन सारे पैनल्स को जो है जोड़ने के लिए बीच में जो है पाइपिंग यूज़ की गई है और बाद में जो है ऊपर लैस लगाई गई है ऊपर वाली बॉडी जो है वो अलग है नीचे वाली बॉडी अलग है और दोनों बॉडीज़ को जोड़ने के लिए जो है बीच में जोड़ने के बाद यानी ऊपर जो है वो बॉर्डर उसी का कमीज़ का जो वो लगाया गया है साथ में ऊपर लैस लगा दी गई है बाजू इस तरह से मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ और अगर आपने इस्क्रीन लेना हो तो आप ले सकते हो मैंने वीडियो बहुत स्लो ही बनाई है अच्छा इस शर्ट की जो है मैंने लेंथ थोड़ी सी छोटी रखवाई है यानी नॉर्मली जो मेरी शर्ट होती है उससे तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि डिज़ाइनिंग जो ऊपर वाली बॉडी की हुई हुई है वो शॉर्ट शर्ट भी अच्छी लगनी है देन यहाँ पे घेरे पे जो है नीचे दामन पे इस तरह से लैस लगा के पलटा लगा के चारों पे यानी चौक पे भी और नीचे दामन पे भी इसी तरह से की गई है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं तो ट्राउज़र पे जो है इस तरह से नीचे भी लैस लगी गई लेस लगाई गई है और ऊपर भी लैस मतलब लगी हुई है ऊपर वाली जो कटिंग है थोड़ी आपको नज़र आ रहा रखा थोड़ा सा राउंड भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक शेप में है अगर आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पर आप देखो बीच में से नीचे है साइडों से ऊपर को है समझ में आ गई अब आप वीडियो में देख लो इस तरह से कटिंग की गई है ऊपर वाले उसकी और नीचे जो है इस तरह से लाइन्स लगाई गई हैं और उसको अटैच कर दिया गया है और अटैच करने के लिए बीच में लेस यूज़ की गई है ओके जी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो ओके दुबट्टे की तरफ चलते हैं तो दुबट्टा जो है इस तरह से था इसका और यहाँ पे जो है चारों तरफ वही लेस मैंने जो है दुबट्टे पे भी लगाई है लेकिन यहाँ पे मैंने पलटा नहीं लगाया सिंपल यानी वैसे ही लेस लगा दी है इस तरह से ओके और इसके चारों तरफ चारों कोनों पे दुपट्टे के इस तरह से टसल्स लगाए हैं और एक कोने पे जो है तीन टसल्स हैं एक पिंक कलर में है एक ब्लू में है एक ग्रीन में ये तीनों एक कोने पे हैं ठीक है और जो पिंक वाला है वो मैंने थोड़ा सा आ, लंबा साइज रखा है बाकी दोनों जो हैं ब्लू और ग्रीन वो सेम साइज है ओके जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं तो ये भी अल्क्रम का ड्रेस है इस तरह से नेक लाइन इसकी बनाई गई है दोनों तरफ लेस है बीच में जो है वो Uh, कपड़ा लगाया गया है और उसके ऊपर जो है तीन बटन लगा दिए गए हैं उसी कलर के यानी ड्रेस में जो दोनों कलर हैं ब्लैक एंड वाइट और साइड्स पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बॉर्डर जो है वो लेंथ में लगाया है वो बॉर्डर भी ड्रेस के साथ ही था वही मैंने यूज़ किया ये नीचे आपको नज़र में आएगा भी ये दामन पे जो पट्टी आपको नज़र आ रही है उसी में से मैंने जो है बॉर्डर वो कट किया है और यहाँ पे पूरा मैंने uh, शोल्डर से लेके एंड तक वो पट्टी लगाई है दोनों तरफ और एंड पे मैंने उसी का फुल बॉर्डर जो है वो लगा दिया इस तरह से थोड़ी सी बस डिज़ाइनिंग के साथ जो है आपकी ड्रेस की लुक चेंज हो जाती है साइड्स पे जो है मैंने इस तरह से लेस अटैच कर दी है पलटे के साथ बाजू भी सिंपल स्ट्रेट बाजू हैं और उस पर भी इस तरह से लैस लगा के तो पलटे के साथ लगा दी है ओके okay जी इसके ट्राउजर की तरफ आ जाते हैं तो ट्राउज़र बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था इसका स्ट्रेट ट्राउजर है और इस पर तीन इस तरह से लेसेस लगाई गई हैं नीचे बड़ी लैस है थोड़ी देन थोड़ी सी छोटी है और उसके ऊपर रिबन लैस जिसको बोलते हैं वो वाली लैस है और स्ट्रेट लाइंस यानी स्ट्रेट लगी हुई हैं कोई इसमें डिज़ाइनिंग नहीं है शेप कटिंग नहीं हुई हुई सीधी सीधी लगी हुई हैं ओके जी इसके दुबट्टे की तरफ आ जाते हैं तो दुबट्टे पे भी जो लैस मैंने गले पे लगाई थी वही लैस मैंने दुबट्टे पे भी लगाई है और पलटे के साथ लगाई है थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है दुबट्टा थोड़ा सा जो है लोन का हल्का होता है तो पलटा लगाने के बाद जो है थोड़ा हैवी हो जाता है ओके जी ये लीलन की शर्ट है और इस तरह से गोल गला है और गोल ही इसके ऊपर जो है रिबन लैस लगाई गई है फोर टाइम्स यहाँ पे जो है आपकी जो फिटिंग की सिलाई होती है वहां से लेके और एंड तक यानी दामन तक चौक पूरा यानी आएगा तो इस तरह से लैस लगाई गई है दोनों तरफ यानी फिटिंग की दोनों तरफ यानी फ्रंट पे भी बैक पे भी इस तरह से आएगा फ्रंट जो है वो थोड़ा सा साइज़ में मैंने छोटा रखा है और बैक इसकी लंबी है पलटे के साथ फिनिशिंग की गई है इस तरह से इस डिजाइनिंग में जो है आपकी जो लैस है वो थोड़ी मोटी वाली इस्तेमाल होगी यानी थोड़ी चौड़ी वाली तो ही आपका जो डिजाइन है वो ज्यादा अच्छा लगेगा ओके फ, जो बाजू हैं वो इस तरह से हैं पफ बाजू हैं जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक जो है यानी बाजू की सिलाई आम होल तक वहाँ तक जो है चुनते हैं बाकी जो है बाजू सीधा आ रहा है और आगे फ्रंट पे भी वही लेस मैंने लगा दी है सिर्फ बाजू की वजह से ही जो शर्ट की लुक है वो डिफरेंट हो जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है खासतौर पर टीन एजर्स के लिए ये ड्रेस डिजाइनिंग बहुत अच्छी है ओके जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं तो ये ड्रेस भी अलकरम का है यहाँ पे इस तरह से नेक लाइन इसकी बना दी गई है ऊपर समोसे लगाए हुए हैं और इस तरह से जो है नेक लाइन है यही जो इसका बॉर्डर था ड्रेस के साथ उसी को नेक लाइन पे लगा दिया गया है बाजू जो है इस तरह से कफ बना के तो आगे से पफ बाजू जिस तरह होते हैं चुनटे डाल के वो बना दिए गए हैं दामन जो है वो गोल घेरा है इसका इस तरह से लेस लगा दी गई है आप चाहो तो आप अल्टा भी लगा सकते हो ओके okay, जी इसके ट्राउजर की तरफ चलते हैं तो इसका ट्राउजर जो है कटिंग थोड़ी शलवार वाली कटिंग है लेकिन शलवार नहीं है और नीचे इसके जो है पाइंचे पे इस तरह से जो है तीन दफा जो है बारीक वाली जो लेस होती है शाइनिंग वाली वो लगा दी गई है ऊपर समोसे लगा दिए गए हैं ओके दुबट्टे की तरफ चलते हैं तो दुबट्टा जो है इस तरह से लैस लगा दी गई है जो शर्ट पे लगाई थी वही लैस है लेकिन पलटे के साथ है जो ट्राउजर के साथ जो कपड़ा था उसी को एज अ पलटा यूज किया गया है और पलुओं पे भी चारों तरफ यानी चार कोनों पे इस तरह से टसल लगा दिए गए हैं। दो कलर जो यानी थे इसके कंट्रास्ट में उनको यूज किया है ब्लू एंड इसको येलो कह लो या आप सनफ्लावर का कलर कह लो ओके जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं और ये ड्रेस आई थिंक सो सोखाडी का है मुझे कंफर्म नहीं है नेक लाइन इस तरह से है ऊपर पाइपिंग लगाई गई है और टसल लगा दिए गए हैं टसल भी डिफरेंट टाइप्स के हैं तो ये वाली जो टसल है थोड़ा तो डिफरेंट था बाजू भी जो है इस तरह से है सामने से अम्बरेला बाजू है पीछे से टाइट है जिस तरह अम्ब्रेला बाजू होता है आगे जो है और गेंजा लगा दी गई है और दो कलर के समोसे लगा दिए गए हैं बीच में जो है इसको ज्वाइंट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे ज्वाइंट लेस भी लगा सकते हो जिस तरह से मैंने लगाई है थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती है बस फ्रंट दामन पे भी सेम इसी तरह है और लगा के ऊपर दो समोसे लगा दिए गए हैं दो कलर्स के ब्लू एंड यहाँ पे जो अंदर जो था वाइट कलर उसके और बैक पे जो है इस तरह से पलटा लगा दिया गया है ताकि थोड़ी सी शर्ट की जो है फिनिशिंग आए और कमीज थोड़ी भारी हो देन बैक पे जो है जस्ट और गेंजा है समोसे नहीं है इसके भी जो है चौकस पे इस तरह से पलटा लगा दिया गया ओके okay, जी इसके ट्राउजर की तरफ चलते हैं तो स्ट्रेट ट्राउजर है और इस तरह से बारीक वाले जो पिनटेक्स होते हैं वो डाले गए हैं क्रॉस शेप में इस तरफ से भी आ रहे हैं और उस तरफ से भी आ रहे हैं और सिक्स सिक्स दोनों तरफ से हैं आप देख सकते हो और बीच में जो है इस तरह से स्केयर बनेगा इनमें भी अगर आप चाहो तो जो है बारीक वाले जो मोती होते हैं वो लगा सकते हो लेकिन ट्राउज़र पे जो है नमाज पढ़ते हुए चुपते हैं तो इसलिए मैंने नहीं लगाए थे अगर आपने लगाने हैं तो आप लगा सकते हो थोड़ा सा और इसको करने के लिए ओके जी दुबट्टे पर इस तरह से है मैंने पीको करवा ली थी इसका नाम मुझे नहीं पता बस पीको करवा ली थी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं तो ये ड्रेस भी आई डोंट नो कहाँ का है किस ब्रांड का है और इसका जो है थोड़े से अनारकली वाला जो शेप होता है फ्रॉक का वो देने की कोशिश की गई है दोनों तरफ से इस तरह से और बटन लगा दिए गए हैं एंड पे टसल लगा दिए गए हैं फ्रॉक की शेप वही है अनारकली वाली और एंड पे जो है इसके चौड़ी वाली जो लैस होती है वो लगा दी गई है इस तरह से गुम लैस यानी बैक साइड से लगाइए और फ्रंट पे ले आए हैं और बैक साइड पे जो है यानी फ्रॉक की बैक साइड इस तरह से इसको जो है विदाउट एनी लैस या कुछ भी इस तरह से उसको सिक्योर किया गया ओके जी बाज़ू की तरफ आते हैं तो बाजू की शेप इस तरह से तो कौन शेप में थोड़ा सा बनेगा सेंटर से जो है जॉइंट हो रहा है और जॉइंट के लिए जो है बीच में जॉइंट लेस यूज़ की गई है और दोनों तरफ जो है वो डोरी वाली पाइपिंग जो है वो लगाई गई है ओके okay, जी इसके ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं तो स्ट्रेट ट्राउज़र है और इस पे जो है बीच में इस तरह से समोसा लैस लगा दी गई है स्ट्रेट ट्राउज़र आप देख सकते हो और आई थिंक ये पाँच इंच का जो है पाइंचा है ओके जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं नेक लाइन पे इस तरह से जो है राउंड और बीच में वी है कट वाला और इसके जो है बाजू इस तरह से तरह स्ट्रेट बाजू हैं आगे समोसा लैस लगा दी गई है और ये दुपट्टे में ही इस तरह से डिजाइनिंग है जो भी है धागे की नीचे जो है इस तरह से गोल घेरा है लेस लगा के और बैक पे जो इस तरह से बल्टा लगा दिया गया है कमीज के साथ का ही ओके जी इसके ट्राउजर की तरफ चलते हैं तो इसके जो ट्राउजर का नाम है वो बैलून ट्राउजर है इसको इस तरह से बोलते हैं और दिखने में इस तरह से कुछ ऊपर से फूला हुआ होता है नीचे से आके जो है तंग होता है पैंचर इसका और चुनटें डली होती है दुबट्टा इसका जो है रेडीमेड था इसी तरह से मैंने लिया था इसके ऊपर समोसा लैस लगी हुई थी इसी तरह से ओके जी नेक्स्ट ये एक ड्रेस है ये जे डॉट का ड्रेस है और ये शर्ट थी लेकिन मैंने इसकी फ्रॉक बनाई है और आप देखना मैंने किस तरह से इसको बनाया अ, सेंटर में जो पैनल है वो उसके ऊपर नेक लाइन लगाई है एम्ब्रॉयडरी वाली ये इसी के साथ थी ड्रेस के साथ ही देन साइड्स पे जो है ये दो पैनल्स हैं आप अभी देखना एक ऊपर वाली बॉडी का पैनल है ये और नीचे वाली बॉडी है नीचे वाली जो है उसके ऊपर चुनट है ऊपर वाली प्लेन है सेंटर वाला फुल लेंथ में है और इसी तरह से दूसरे साइड पे भी है सेम नीचे जो है इसी तरह से ये दिया हुआ था इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाला पैच वो लगा दिया है फ्रंट पे सिर्फ बैक पे नहीं था और बाजू जो है इस तरह से हैं खुले बाजू इस तरह से सामने से ज़्यादा खुले हैं और पीछे से थोड़े से तंग हैं बॉर्डर था ये ड्रेस के साथ वही अटैच कर दिया है टसल्स लगा दिए हैं दो कलर्स में पिंक एंड ग्रीन दोनों में साथ एक एक जो है ये मोती है पर्ल पिंक कलर में वो अटैच किया गया है थोड़े से डिफरेंट स्टाइल हो जाता है ओके जी इसकी बैक की तरफ आते हैं तो बैक पे इस तरह से बैन लगा के बीच में यू शेप में कट है और उसके ऊपर डोरी लगी हुई दोनों साइड्स पे देन यहाँ पे आप चेक करना है कि साइड्स पे पैनल है और सेंटर पे ये पैनल है सेंटर पे जो पैनल मैंने ये बनाया है इसमें मैंने सारा बॉर्डर लगाया जो आपने अभी बाजू पे देखा बाजू पे जो बॉर्डर लगा हुआ था उसी को मैंने इस तरह से तीन चार कर, दफा करके तो मैंने अपनी बैक की बॉडी बनाई है इसी तरह से आप भी कर सकते हो और नीचे वाला जो है उसके ऊपर जो है फुल यानी एक है वो और इसके ऊपर जो है चुनट है चुनट जो धागा के चुनट देते हैं वो वाले हैं दूसरे नहीं है देन नीचे जो है इस तरह से कोई भी पलटा वगैरह नहीं है वैसे ही कमीज को जो फ्रॉक हो फोल्ड कर दिया है ओके नेक लाइन मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हो और आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है उसी कपड़े को यूज़ करके आप अपने जो है वो ड्रेस की लुक चेंज कर सकते हो देन दुबट्टा यहाँ पर दुबट्टा जो है मैंने बाहर से ही लैस लगवा ली थी इसके ऊपर इस तरह से कंट्रास्ट में ही लैस है पिंक कलर में बेबी पिंक सा जो कलर है दुबट्टे में और दुपट्टा की थोड़ी लुक ये थी देन ट्राउजर की तरफ आते हैं ट्राउजर स्ट्रेट ट्राउजर ऊपर से कैपरी ट्राउज़र जिसको बोलते हैं और नीचे उसके इस तरह से डिजाइनिंग है और सेंटर में जो है उसको जोड़ने के लिए आ, मोती जो है पिंक कलर के छोटे छोटे से वो यूज किए गए हैं ओके जी नेक्स्ट एक ये ड्रेस है इसकी जो नेक है राउंड है उसके ऊपर लेस लगा दी गई है रेड कलर में साइड पे कट है कट के सेंटर में जो है सी थ्रू हो रहा था तो मैंने नेट लगा दी है उसी कलर में जो कमीज में आपको नजर आ रहा है लाइट ब्राउन सा देन यहाँ पे साइड पे रिबन लेस है इस तरह से डिजाइन नेक डिजाइन काफी वायरल चल रहा है नीचे की तरफ अगर हम आ जाए तो यहाँ पे चौक पे इस तरह से लेस है दामन पे बॉर्डर लगा के बॉर्डर की शेप थोड़ी कटवर्क वाली थी कटवर्क कर दी है और ऊपर लेस लगा दी है बाजू जो है इसके स्ट्रेट बाजू हैं और आगे इसके फिर अगेन बॉर्डर लगा के तो उसका कट लेस लगा दी गई है और शर्ट की लेंथ नॉर्मल से मेरी थोड़ी सी इसकी मैंने लंबी रखी है क्योंकि इसके साथ मैंने थोड़ा सा जो है खुला पॉइंट का जो है ट्राउजर पहना था बैक पे इस तरह से सिंपल बैक आ रही है और बैक पे भी बॉर्डर लगा के उसका कट करके ऊपर लेस लगा दी गई है ट्राउजर की तरफ आ जाओ तो ट्राउजर पे कोई डिजाइनिंग नहीं है लेकिन ये बॉक्स ट्राउजर है शेप बॉक्स ट्राउजर वाली है और 10 इंच का पांच है इसके साथ ओके जी दुबट्टा इसके साथ मैंने खुद बनाया है फैब्रिक पेंटिंग की है और गेंजा का दुबट्टा लेके और साइड पेस्टन से बॉर्डर है फुल डिटेल वीडियो जो है इसकी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है ओके okay, अभी भी फाइव टू सिक्स ड्रेसेस रहते हैं तो उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है आपको इसमें से कोई ना कोई डिजाइन जरूर पसंद आया होगा आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आपने वीडियो को लाइक कर देना है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज